नमस्कार, मैं दिव्या धराधर थी। इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया है। पुतिन ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि भारत को इसके सकारात्मक परिणाम मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार सम्मान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा दाव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में सम्मान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सम्मान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। नक्सलवाद से ग्रस्त बिहार के औरंगाबाद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 29 केन बम और 60 मीटर कॉर्डेक्स वायर बरामद किए हैं। यदि नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो इलाके की जर्रा जर्रा धमाके की आवाज़ से दहल उठता। धमाकों की जद में आकर कितने पुलिस कर्मियों की जाने चली जाती कहना मुश्किल था, पर संयोग से पुलिस को इनपुट मिल गया और नक्सलियों को मात खानी पड़ी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में करीब एक महीने पहले 28 मई को दुल्हन की तरह सजाकर एक लिफ्ट का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करने के लिए सांसद कौशलेंद्र कुमार और जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद मरीजों को थर्ड फ्लोर तक आने जाने के लिए यह सुविधा दी गई थी। शुक्रवार को सुबह इतनी तेज बारिश हुई कि लिफ्ट के अंदर ही झरना के जैसे पानी गिरने लगा। लिफ्ट में लगातार पानी गिरने के चलते मरीजों को आने जाने में परेशानी होने लगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि देश भर की सभी पंचायतें स्वतंत्रता दिवस के बाद से सभी विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करेंगी और उन्हें UPI के जरिए सभी पेमेंट करने होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में अगले हफ्ते होने वाले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। शी जिनपिंग वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे। चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SCO की 23वीं परिषद प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में पुलिस ने गुरुवार को एक नक्सली समर्थक को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 6.20 लाख के 2000 के नोट बरामद किए हैं। नक्सल समर्थक एक नक्सली कमांडर के दिए हुए पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी पुलिस ने रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लिया। बीजापुर के एडिशनल SP चंद्रकांत गवर्णा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली समर्थक की पहचान मुकेश बरसे के रूप में हुई है। वह मुरदंडा कुमातगुड़ा गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे आवापल्ली में एक पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के शीर्ष स्तर की बैठकों की एक श्रृंखला ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट फेरबदल, संभावित संगठनात्मक परिवर्तन और जाति संतुलन को लेकर पार्टी में अटकलें तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के महासचिव BL संतोष ने बीते बुधवार को सरकार में संभावित बदलावों को लेकर 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके आवास पर बैठक की। जुलाई 2021 के बाद से अब तक मोदी मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। मणिपुर में हिंसा के दौर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यपाल से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहां शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया है। इन राहत शिविरों में खामियां हैं। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI अब तक अपनी जांच को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। वहीं मामले से परिचित लोगों ने बताया कि CBI द्वारा पूछे गए सवालों पर अमेरिका से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पिछले 3 साल से जांच लंबित है। प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने 2021 में कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय वाले गूगल और फेसबुक को एक औपचारिक अनुरोध भेजा था, जिसमें उनसे अभिनेता की सभी चैट हटाई गई, ईमेल या पोस्ट की डिटेल शेयर करने को कहा गया था, ताकि वह सभी चैट्स और मेल व पोस्ट का एनालिसिस कर घटनाओं के बैकग्राउंड को समझ सके। इंटरनेट बंद होने के कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी रिपोर्ट भी अब सामने आई है। वह इंटरनेट बंद होने के कारण इस साल के शुरुआती 6 महीने में ही भारत को करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इंटरनेट बंद होने के कारण 2023 की पहली 6 माही भारतीय अर्थव्यवस्था को $1.9 अरब का नुकसान हो चुका है। बता दें कि एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा गुरुवार शाम को पानागढ़ बाजार में तृणमूल प्रार्थियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तविक रूप में यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ को और मजबूत करना है तो इस बार पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थियों को साथ दे। जो लोग केवल चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं उनसे सावधान ही रहें। बिहार में मखाना MBA वाला नाम से स्टार्टअप चलाने वाले ई श्रवण कुमार राय को गुरुग्राम में होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। 34 देशों के प्रतिनिधियों का यह शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को ओराना कन्वेंशन गुरुग्राम में होगा। उन्हें ईमेल के जरिए यह निमंत्रण शुक्रवार को मिला।
खाना बनाने का मन नहीं हो तो अक्सर हम जोमेटो या स्विगी कर लेते हैं। ये फूड डिलीवरी एप्स देश भर में लोकप्रिय हैं। अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब आप एक ही समय में 4 अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी यूजर्स के लिए एक नया अपडेट लेकर सामने आई है। सभी कार्ट में कुछ ना कुछ ऑर्डर करने के बाद आप एक बार में ही सभी की पेमेंट कर ऑर्डर को फाइनल कर सकते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद सभी ऑर्डर को अलग अलग ट्रैक भी कर पाएंगे। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सकारात्मक विभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कॉलेज एडमिशन के दौरान नस्ल और जातीयता को आधार बनाना असंवैधानिक है। अमेरिका में दशकों से सकारात्मक विभेद की नीति मौजूद थी और इसकी मदद से अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा में काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध इन वर्गों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से टमाटर के दाम अचानक से तेजी से बढ़े और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है, लेकिन अब आम आदमी की ये मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि प्याज के भाव ने भी आसमान छूना शुरू कर दिया है। मंडी में प्याज की कीमतें बेतहाशा भाग रही हैं। सीमा सुरक्षा बल ने ईद अल अधा के अवसर पर पाक रेंजर्स को मिठाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर सहित भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ विभिन्न सीमा चौकियों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। ओपन AI पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में, पिछले साल नवंबर में कंपनी ने अपना AI चैटबॉट ChatGPT लॉन्च किया था। जनरेटिव AI के मामले में यह काफ़ी लोकप्रिय है। OpenAI इस समय कैलिफोर्निया के संघीय न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे को लेकर फिर से चर्चा में है। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि OpenAI ने इंटरनेट से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराया है। आरोप है कि वह इस डेटा का दुरुपयोग कर रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि इस डेटा का इस्तेमाल कंपनी ने अपने AI टूल्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर पर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में शामिल एक वाहन हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में DSP जम्मू कश्मीर पुलिस और 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर भेज दिया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट बनाने का कार्य पूरा कर लिया। सूत्रों की माने तो इस ड्राफ्ट में पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने, तलाक को विधि सम्मत बनाने आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ड्राफ्ट में समाज से जुड़े कई बिंदुओं का समावेश भी किया गया है। चलन से बाहर हो चुके कानूनों को इसमें हटाए जाने की संस्तुति की गई है। पुत्री को भी संपत्ति में दिया जा सकता है अधिकार। उत्तराधिकारी के लिए पुत्र व पुत्री के लिए समान व्यवस्था की जा सकती है, यानी बेटी को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा है कि हम इसे भी संभव करवाएंगे, हम चर्चा करेंगे। देश में एक समान नीति को स्थापित करने का जो असंभव कार्य था वह पूर्व में PM ने संभव कराया। मुख्यमंत्री के अंचल के प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया यहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर आगमन के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमले के बाद अब उनके समर्थन में तमाम नेता उतर आए हैं। अब उन पर तब हमला किया गया जब वो कार में सवार थे। इस हमले में गोली उनकी कमर को छूकर निकल गई जिससे चंद्रशेखर घायल हो गए। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली मैंने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि शोषित वंचित और दलित पिछड़ों के हक की जंग लड़ने वालों को इन सबके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक चंद्रशेखर मरेगा तो 100 और खड़े हो जाएंगे। PM मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान PM ने कंप्यूटर सेंटर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। PM मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो से जाने का फैसला किया। इसकी जानकारी PM मोदी ने ट्वीट करके दी है। विश्व बैंक ने भारत में निम्न कार्बन उत्सर्जन को लेकर बुनियादी ढांचे में तेजी लाने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में विश्व बैंक ने कहा कि यह वित्तीय मदद रिन्यूएबल ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के साथ अन्य चीजों में भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा के प्रोत्साहन में मदद करेगी। भारत को दुनिया में सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को देखते हुए इसमें कहा गया है कि आर्थिक विस्तार होने से ऊर्जा की मांग में तेजी से वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। बिहार में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की साठ गांठ में लगे हुए हैं। इसी बीच बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को सलाहकार बदलने की सलाह दे डाली है। आनंद मोहन ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने जैसे स्लोगन को भी अनुचित बताया है। उन्होंने कबीर दास के दोहे प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा जेही रुचे शीश देही ले जाए को एक कोट करते हुए कहा कि प्रेम हाट बाजार में खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है इसलिए मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान लिया और शुक्रवार को सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि अभी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कर ड्रामा
कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। अब मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी विवाद में अब बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि बाहर से अरविंद केजरीवाल, जरा आप भी बता दो, आप दिल्ली के कौन से मोहल्ले में पैदा हुए? जहाँ तक मैंने सुना है कि आप पैदाइश तो हरियाणा के हैं और सीएम बनने से पहले गाजियाबाद रहते थे। मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए ना, दिल्ली में कहाँ से, उस हिसाब से बाहर के तो आप भी हो। जब से आए हो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, अशरफ मन अल्लाह। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है राहुल गांधी का नारा मोहब्बत की दुकान पर आपके क्या विचार है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।